हेलो गाइस, तो भाई आज करने वाले हैं माइलेज टेस्ट वैगनार वर्सेस टियागो। तो भाई वैगनार अपनी सीएनजी फिटेड है, 10-11 हजार के करीब चली है और ये चली है अपनी 1500 के करीब। जो भी रिस्पांस होगा मैं आपको बता दूंगा। तो भाई क्या करने वाले हैं, हमारा प्रोसेस रहने वाला है क्योंकि भाई इसमें भी सीएनजी बहुत है, इसको भी हम एकदम से नहीं खला सकते और उसमें भी 3-4 पॉइंट है। तो क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पाइपलाइन वाली प्लेन है तो उससे भरवाएंगे और फिर दोनों गाड़ियों की ट्रिप जीरो कर देंगे, एक साथ रखेंगे और फिर आएंगे, फिर दोबारा इस पे ही भरवाएंगे। देखते हैं भाई क्या रिस्पांस रहता है, एसी रहेगा 2 पे। तो भाई चलते हैं, करवाते हैं फुल। जितनी भी सीएनजी आएगी मैं आपको बता दूंगा और जितनी भी गाड़ी चलेगी कैलकुलेट करके सब कुछ बता दूंगा। भैया कितनी माइलेज देते दे कि क्या लगता है? पता नहीं भाई, टियागो से ज्यादा दे देगी नहीं, कुछ नहीं करता। चलो चलते हैं, करवाते हैं फुल। तो भाई चलते हैं अपने सीएनजी पंप पे, थोड़ी आगे मुझे तो लगता है भाई टियागो ही जीतेगी। देखो भाई इसमें भी क्योंकि सीएनजी के बहुत पॉइंट है अपने, देखना 3 पॉइंट है तो तीनों को कहाँ खिलाऊंगा मैं फिर भाई। ऐसा ही है, वो भी भाई अपने भैया की है तो ऐसे खिला नहीं सकते, इतने लंबे रूट पे जाएं कहीं और वैगनार में तो भाई बहुत भारी पड़ जाएगी खिलानी। ये तो उस दिन हमने पूरे दिन गाड़ी चलाई जब अपनी सीएनजी खली। तो भाई ये आ गया अदानी वाला पंप, इस पे ही आके दोबारा भरवाएंगे, देखते हैं वैगनार में कितनी आती है, फिर इसमें देखेंगे। तो भाई वीडियो लाइक जरूर कर देना, परिसर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिप अपनी की जीरो कर देता हूँ, ट्रिप भी भाई इसमें ये भी पता पड़ जाएगा कौन से मीटर में ज्यादा वो रहता है। यहाँ पे ना यही पे ही भरवानी है, यहाँ पे ही कितना परेसर? अरे प्रेशर ये 200 से कम है, 190 के आसपास हो वो। एक ये तो नहीं पाएगा ना भैया, यहाँ दोबारा आएंगे, कम तो ना होएगा डाउन। तो भाई 1.40 तो आ चुकी है, 66 है भाई हमारे वहाँ, 63। तो भाई सीएनजी आप देख सकते हो, मैं इसके ट्रिप जीरो कर देता हूँ। बी वाली 139 हमने ही करी थी, ये कल जीरो होगी, इसको आगे लगा के फिर उसमें देखते हैं कितनी आती है। आगो में देख लेते हैं भाई, 2 पॉइंट थे इसमें, आई है 1:43 के करीब, 3:33 आई है 221 के। तो भाई अब क्या करने वाले हैं, हम इस हाईवे पे निकलेंगे 20-30 किलोमीटर चला के फिर आते हैं। तो भाई चलते हैं, हम देखते हैं क्या रहता है, टियागो को आगे रखेंगे, वैगनार को पीछे। तो भाई एसी 2 पे और सीएनजी अपनी फुल हो चुकी है, देखते हैं क्या रहता है, क्या रिस्पॉन्स। जितने पे अपनी टियागो चलेगी उतने पे ये चलेगी, तो भाई प्रूफ हो जाएगा कि 1.2 और 1.0 लीटर में पेट्रोल इंजन है दोनों और गैस में चला रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है, कौन सी गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है। तो भाई ये रही अपनी टियागो, आगे जा रही है, इसके पीछे पीछे ही चलना है हमें और चलानी है गाड़ी 30 किलोमीटर, उसके बाद देखेंगे कौन सी में ज्यादा सीएनजी आती है और कौन सी ने ज्यादा माइलेज दी है। तो भाई यहाँ अगर परेशर भी ज्यादा हो जाएगा ना तो दोनों में ही बराबर आएगी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। गाड़ी की स्पीड देख सकते हो भाई, अभी तो 30-31 के करीब है। चलते हैं भाई, मैं हाईवे पे चढ़ा लेता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको। तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है, किलोमीटर अभी अपना 1 कंप्लीट नहीं हुआ, 0.7 हुआ है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। गाड़ी में भाई थोड़ा सा दबाव तो है 2 पे, जैसे अपना एसी चल रहा है। टियागो भाई देख लो अपना नाम चमक रहा है और भाई आप चमकाओ इसे। तो भाई टियागो अपनी XZ+ कैसी लग रही है? XT है ये, मैंने अलग से लगवाई है, वैसे गाड़ी जम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर अपने 1.3 कंप्लीट हो चुके हैं, वैगनार सही चल रही है। भाई वैगनार में से ये नॉइज आती है ना, जो जैसे ऑटो में से आती है, तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस ही पैदा करती है। और देखो भाई गाड़ी अपनी 58 जितने पे अपनी टियागो चलेगी उतने पे ही वैगनार। और भाई बहुत भाइयों के कहने, मतलब कि इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे थे कि भाई बताओ बताओ, बहुत इंतजार कर रहे हैं हम आपकी वीडियो का, टियागो ज्यादा माइलेज देगी या वैगनार, जो भी होगा तो इस वीडियो में पता लग जाएगा भाई, पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो भाई किलोमीटर अपने हो चुके हैं 3.3, टियागो अपनी आगे चल रही है और रेंज रोवर भी भाई अपने बीच में चल रही है, स्पोर्ट देख सकते हो, ये चल रही टियागो अपनी साइड में। तो देखते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स रहता है, गाड़ी की स्पीड अभी तो 50 है क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ। भाई यही निकालना है कि वैगनार से ज्यादा माइलेज है नीट टियागो की, तो वैगनार वाले भाई हैं भाई, कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे भी होगी आपके सामने होगी, टियागो हारेगी तो टियागो हारेगी, मतलब कोई वो नहीं है, टियागो हारगी तो हारगी या वैगनार हारेगी, जो भी होगा सच होगा, आपके सामने होगा,
ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मैंने ले रखा है टाटा से, आप ये सोचो वैगनार से कुछ ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके सामने हो रहा है भाई, सब कुछ सामने ही चल रहा है। और भाई ये करते हम टैंक खलाते, इसे चलाते 200 किलोमीटर, और भाई ऐसे 200 किलोमीटर ये चलती ना, और फिर रुक रुक के चले, उसमें कोई माइलेज नहीं ना आए भाई। इसलिए हम अपनी प्यार से निकाल रहे हैं बड़े, देखते हैं क्या रहता है। टियागो देख सकते हो भाई, बताओ चलती हुई कैसी लग रही है अपनी गाड़ी, देखना आगे। और ये वैगनार हालती सी चल रही है, और किलोमीटर अपने 5 कंप्लीट हो चुके हैं। साइड में अपने रेंज रोवर चल रही है। तो भाई एक तो यहाँ ब्रेक बहुत लेने पड़ रहे हैं भाई। गाड़ी आप देख सकते हो 5.7 किलोमीटर चल चुकी है। एसी में भाई मुझे थोड़ी कम कूलिंग लग रही है टियागो के सामने, या तो अपनी इस वजह से लग रही है या फिर है ही कम इसकी। देखो भाई ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है यहाँ, देख लेते हैं जो भी होगा। तो भाई गाड़ी चल चुकी है अपनी 6.4, अब थोड़ा सही खुला सा रास्ता आ गया, मतलब अब सही माइलेज आ जाएगी, जो भी आएगी जो भी निकल के आएगी सही आ जाएगी। और ये भाई अपना राजा नाहर सिंह बल्लमगढ़ का मेट्रो स्टेशन है, और बस स्टैंड भी यहीं पे ही है। तो ये टेस्ट हम कर रहे हैं भाई, ये जो फरीदाबाद वाली सड़क हाईवे है इस पे कर रहे हैं। जो भी होगा सब कुछ ये देख लो भाई, गाड़ी अपनी यहाँ भाई वैसे ही 70-80 से ही ऊपर नहीं जा रही, ऊपर तो हम ले भी कहाँ जाएंगे फिर। तो भाई टियागो अपनी आ गई है, एसी ऑन है, 7.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। देखते हैं भाई टियागो के साथ साथ ही रहेंगे। और भाई जो टाटा के फैन है कमेंट जरूर कर देना, और जो मारुति के हैं वो मारुति के भी कर देना भाई, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई। देख सकते हो 8 किलोमीटर पूरे कंप्लीट कर लिए गाड़ी ने, टियागो की भी देख लेंगे जब एक बार बीच में रोकेंगे भाई, गाड़ी को देखेंगे, दोनों के किलोमीटर बराबर चल रहे हैं, जो भी है सब कुछ। तो भाई किलोमीटर अपने 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, स्पीड अपनी वही 80 मेंटेन, आगे टियागो चल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी अपनी। और अभी तो भाई बहुत आगे जाना है। भाई ये हम स्पेशल टेस्ट ही कर रहे हैं, कभी आप ये जान रहे हो अपने लिए कोई वहीं घूमने गए हो कहीं फलाना टकरा, उस वजह में स्पेशल टेस्ट करने आए हैं बहुत दूर। और आप अब भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। 10.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और हम पहुंच चुके हैं झाड़सैत्री गाँव में भाई, आ गया आज झाड़सैत्री पहुँच गए। और आगे चलना है मतलब 15 किलोमीटर होते ही हम यू टर्न ले लेंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे जाके, क्योंकि फिर 30 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ वापस आएंगे। फिर देखना भाई कितनी सीएनजी आती है, कौन सी में कम आएगी उसकी माइलेज ज़्यादा होगी। चलते रहते हैं भाई, अभी तो थोड़ा ही चले हम 11.2। तो भाई 12 किलोमीटर अपने कम्प्लीट हो चुके हैं, 12.2। और देख लो एसी अपना ऑन है और टियागो अपनी आगे चल रही है, ये चल रही भाई। नाम दिखा देता हूँ आपको एक बार जूम करके, नवीन चौधरी। अभी तो भाई चलने पे ही हैं, नंबर देख लो 6747 अपनी गाड़ी का। और वैगनार में इतना कंफर्ट तो नहीं है जितना टियागो में है, पर सही है कहीं ना कहीं। तो भाई गाड़ी अपनी 14 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है और एसी ऑन है भाई। ये लेंटर वाली सड़क होती है, इन पे से टायर्स आवाज तो करते हैं, खर 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 ऐसी आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही हो तो, मुझे सुनाई दे रही है। तो भाई टियागो अपनी आगे चल रही है, किलोमीटर अपने हो चुके हैं 14.3। अब जो भी यू टर्न आएगा हम उससे कट लेंगे, वापस हो लेंगे। अभी किलोमीटर अपने 16.1 पूरे हो चुके हैं, और टोल गेट आने वाला है 1 किलोमीटर, वहीं से ही कट लेंगे और उसके बाद चलते हैं वापस पेट्रोल पंप पे। वहां तक अपनी 32 के करीब गाड़ी चल जाएगी, और आगे देख लो टाटा की नेक्सॉन जा रही है। ये भाई कोई नई लाया है निकलवा के, शायद पुरानी भी हो सकती है, देखते हैं कट कितनी आगे मिलेगा, टोल पे ही मिलेगा भाई शायद। जो भी होगा आपको बता दूंगा मैं, और उसे और दिखा दूंगा। ये 16.5 किलोमीटर चल चुकी है, वो कितनी चली है, और एक और भैया से पूछ लेंगे एसी वगैरह कैसे लग रहे हैं, उन्हें भी हल्का लगा है नहीं वैगनार के मुकाबले। तो भाई ये अपना टोल है जो ये गदपुरी में है, पलवल के पास पड़ता है। अब यहाँ से हमें लेना है यू टर्न, क्योंकि और तो कहीं हमें कट मिले नहीं, यहीं से यू टर्न लेना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। किलोमीटर देख सकते हो आप 17.5, एक और उसमें और देखने हैं टियागो में।
तो भाई एक बार देख लेते हैं, किलोमीटर देख लेते हैं और पूछते हैं भैया से कैसा स्वाद आ रहा है गाड़ी चलाने में। किलोमीटर अपने हो चुके हैं 17.5, अब उस गाड़ी के देख लेते हैं कैसा मजा आ रहा है भैया चलाने में। कितने किलोमीटर इसके? 17.4, उसके 5 हो गए 17.5। तो थोड़ा सा फर्क है। और भाई भैया एसी मुझे उसका हल्का लग रहा है इससे, आपको लगा कुछ? है ना चलो तो चलते हैं वहीं सीधा। तो भाई देख लो एसी में है ही फर्क, इस वैगनार का हल्का है टियागो के आगे। और चलते हैं भाई अपने पंप की तरफ, वहां भी देख लेते हैं अपनी टियागो का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या एसी में पूरी गैस को खा जाती है या जो भी है, कूलिंग तो दे रही है बढ़िया। अब भाई हमें लगेंगे 15-20 मिनट और लगेंगे पहुंचने, अपडेट दे दूंगा अब मैं। 20 किलोमीटर कंप्लीट होते 17.6। तो भाई ये किलोमीटर ज्यादा दिखा रही है, वो कम दिखा रही है, एक ये भी है जो भी है भाई, उसने मैंने आपको दिखा दिया 14.4 दिखा रही थी वो, ये दिखा रही 17.4 और ये दिखा रही थी 17.5। तो भाई किलोमीटर अपने 19.8 किलोमीटर हो चुके हैं, 19.8 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। टियागो अपनी आगे जा रही है और ये हमें पता नहीं भाई कहां से फंस रही है आगे, देखते हैं भाई क्या रिस्पांस रहता है, टियागो जीतती है वैगनार कमेंट जरूर कर देना। टियागो भाई इस अमेज के आगे चल रही है अपनी, किलोमीटर 20.2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई किलोमीटर अपने 21 कंप्लीट हो चुके हैं। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं भाई, आपने घोड़ों पे तो बहुत बारात देखी होंगी, बग्गियों में बहुत देखी होंगी, आज दिखाता हूँ मैं आपको जीप में। जीप में दूल्हा आया है शायद, अभी आएगा भाई पल्ली साइड जीप में। देखो देखो जीप में दूल्हा, भाई पहली बार देखा होगा आपने भी। भाई घाटी ने कर लिया 21.6 किलोमीटर कंप्लीट, 22 हो चुके हैं, अब मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आपको। भाई गाड़ी अपनी चल चुकी है 26.2, टियागो अपनी आगे चल रही है। तो भाई कहीं ना कहीं जो मुझे वो लगा कि जब मैं बता रहा था 17.4 उसके थे, इसके 17.5 थे, तो भाई वो ये चीज है क्योंकि उसके R14 के टायर हैं, इसके R13 के, तो 1 इंच कहीं ना कहीं टायर छोटे हैं, वो डिफरेंस हो सकता है। एक बार दोबारा चेक करेंगे जब पंप पे रुकेंगे ना, किलोमीटर देखेंगे, क्योंकि दोनों के एक जगह ही मैंने जीरो करे थे, इतना डिफरेंस भाई आ नहीं सकता। फिर होगा तो ये टायरों का ही है, क्योंकि भाई फिर टायरों के उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि स्पीड पे भी हर चीज पे भी फर्क पड़ेगा। देखते हैं भाई 26.6 अभी चल रहे हैं, अब आने वाला है, होगा 10-1 किलोमीटर दूर और होगा अपना जो CNG पंप है। टियागो अपनी आगे चल रही है। तो भाई यहाँ से अगर किसी को ओल्ड फरीदाबाद जाना है तो इधर, दिल्ली जाना है तो 35, और किलोमीटर अपने हो गए 27.4। भाई इतने में तो हम दिल्ली भी घूम जाते, हमें दिल्ली जाना मतलब दिल्ली कोई काम होता तो। पर भाई आप लोगों के लिए टेस्ट चल रहा है माइलेज का, अगर आपने अभी वीडियो लाइक नहीं की ना फिर तो बेकार है हमारा टेस्ट करना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बेकार है फिर तो, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो। 27.8 टियागो आगे, व्यू देखो भाई यहाँ का बल्लमगढ़ का, भाई 28 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं अपने। गाड़ी अपनी 30 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है और एसी अपना 2 पे है और टियागो अपनी आगे चल रही है, देख लो भाई 2 पे ही है एसी। अब भाई थोड़ी आगे और अपना पंप 2-3 किलोमीटर तो होगा, देखते हैं क्या माइलेज निकल के आती है। तो किलोमीटर भाई 33.5 हो गए हैं, टियागो अपनी वो आगे जा रही, दिखाता हूँ मैं आगे, और हमें यू टर्न लेना है और अपने उस पर आना है CNG पंप पे। यहाँ है भाई पीछे, यहाँ से टियागो देख लो ये आगे जा रही, मैं रोक के एक बार बताता हूँ आपको, दिखाई दूंगा किलोमीटर कितने हो चुके हैं। भाई ऐसा ना हो जाएगी CNG भरे ही ना इन पे पूरा मूड खराब हो जाएगा कि जो भी हमने किलोमीटर कंप्लीट करे हैं।
देख लो 33.9 34 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब अपने उसमें देखेंगे कितने हुए हैं उसमें भाई, एक दो का फर्क पाएगा जो भी होगा, 100 मीटर का तो मिलेगा ही, 34 हो जाएंगे पूरे वहां तक, 34 हो गए इसमें, और उसमें वहां रोक के जब देखेंगे। तो भाई आ गए हैं अपने पंप पे, जिस पे इस गाड़ी में भरेगी उस पे ही भरवानी है, देखते हैं अब उस गाड़ी में चलते हैं भाई कितने किलोमीटर हो गए। और दिखाता हूँ मैं कितनी सीएनजी आती है उसमें, एसी भाई अपना दो पे ऑन है अभी, ये अभी गाड़ी बंद करी है, 33.8 हुए हैं उसमें 34, तो कहीं ना कहीं भाई वो इसमें वो ज़्यादा दिखा रही है क्योंकि उसके टायर छोटे बड़े, मैंने बताया था वो। सीएनजी देख लेते हैं, 2 किलो आ गए, प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर भाई 200 क्रॉस हो गया, इसलिए 200 क्रॉस है, 190 हो गया, देखें कितनी आप 2.8 आई है भाई उसमें, इसमें देखें 2.8, बता ना भाई क्या लगता है, क्योंकि इसने भाई 200 मीटर ज्यादा भी दिखाए इतने में, क्योंकि वो टायर का फर्क हो जाता है। अब देख लेते हैं भाई क्या रिस्पांस रहता है वैगनार का, फिर मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको। 2.8 है, वहां में 2.8 आई, 2.78 आ जाएगी। चलाने में कैसा स्वाद आया भैया, क्या को ठीक है, एसी बढ़िया है, यहाँ बढ़िया है, और चलाने में कंफर्ट ना आया थे ज्यादा, ठीक है सस्पेंशन ठीक है वहाँ पे, यहाँ पे वहाँ में 2.78 आई या आएगी, 185 रुपया जाएगी वहाँ भी, हाँ 185 2.49 प्रेशर पड़ गो भाई। अब मैं आपको माइलेज बता देता हूँ, करते हैं कैलकुलेट क्या माइलेज आई है, करना ये चली थी भैया कितनी, 33.8 चली थी, मैंने दिखा दी थी जब, करना 33.8 भाग करनी है, कितनी आई थी इसमें 2.78 भाई प्रेशर बढ़ गया था उसके हिसाब से, अपनी ये आई है जो भी हमने कैलकुलेट करी है 12.1, और उसकी देख लेते हैं अब वैगनार के कितना फर्क है। वैगनार में वो चली है पूरी 34 चल गई थी, और भाई सीएनजी आई है उसमें 1 किलो कितनी आई है, 2.48 हाँ देख लिया 2.48, तो भाई इसकी कहीं ना कहीं 13 की आई है उसकी 12 की, तो 1 किलोमीटर का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और भैया कंफर्ट के हिसाब से कैसी लगी गाड़ी आपको, इसका स्टीयरिंग सॉफ्ट है, हाँ क्लच क्लच लाइट नहीं है, क्लच भी लाइट है, हाँ और एसी बहुत अच्छा है। और भैया वो जो फर्क आ रहा था ना किलोमीटर, क्योंकि इसके 14 के टायर है उसके 13 के हैं, 200 मीटर का फर्क आ गया 34 किलोमीटर में ना, तो यही थी अगर वैगनार और इसकी हो तो भाई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, कोई माइनर सा ही डिफरेंस रहेगा कि 33-34 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर का फर्क होगा, बस ज्यादा नहीं होगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।